प्रेरितों के काम एक उसकी तीन में लिखा, उसने दुख उठाने के बाद, यानी प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा और उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हम सब जानते प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, हाँ के ना? हम सब जानते प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, पर बाइबल बताती है अगर पवित्र आत्मा धरती पे ना आता तो आज आप यीशु मसीह की कुर्बानी का कोई भी फायदा नहीं ले सकते। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम यरूशलम को मत छोड़ना। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा देखो मैंने तुम्हें दान और वरदान दिए, मैंने तुम पे हाथ रख के प्रार्थना की, अब जाओ और लंगड़ों को चंगा करो और मुर्दों को जिंदा करो। परमेश्वर ने कहा नहीं, अभी वेट करो, क्योंकि योएल नबी की पुस्तक में उसकी 2:28 आयत में लिखा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे दास तुम्हारी दासियों पर बेसी पर भी मैं अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन और पुरनीय स्वप्न देखेंगे। अभी ये वचन पूरा नहीं हुआ था, परमेश्वर ने कहा यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, यरूशलम को मत छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, क्योंकि अभी तक परमेश्वर अपनी महिमा को नहीं पहुंचे थे। लिखा अभी तक परमेश्वर ऊपर नहीं गए थे, जीवित चढ़े नहीं थे, और लिखा परमेश्वर ने कहा था जब मैं जीवित चढ़ जाऊंगा परमेश्वर के पास तो मैं एक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, उसको पाने की प्रतीक्षा करते रहो। 8 आयत में लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलम यहूदिया सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। लिखा ये देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया, बादलों ने उनको उनकी आंखों से छुपा लिया। उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आकाश की ओर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, तो देखो दो पुरुष व्हाइट सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो, वो यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से उसे स्वर्ग को तुमने जाते हुए देखा है उसी रीति से वो वापिस आएगा। सब बोलो आमीन। एक दूसरा वचन आप नोट करेंगे यूहन्ना की अंजील 14:15 आयत, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना तो वो उसे देखते हैं ना तो वो उसे जानते हैं, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहते हैं और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। सब बोलो आमीन। उसने कहा मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि संसार उस आत्मा को देख नहीं सकता, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं। परमेश्वर ने अभी तक ये नहीं कहा था वो तुम्हारे अंदर रहते हैं, परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे साथ रहते हैं, क्योंकि उसी पवित्र आत्मा की वजह से मूसा के साथ वो था, अब्राहम के साथ वो था, दाऊद के साथ वो था, पुराने नबियों के साथ वो था, लेकिन तब पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था, अपना काम करने के लिए आता था चला जाता था, एक प्रोफेटिक वर्ड मिलता था खत्म हो जाता था, प्रोफेटिक वर्ड देता था एक भविष्यवाणी होती थी उसके बाद आत्मा उठा लिया जाता था। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे साथ रहते हैं पर वो तुम में होगा, अब वो तुम में नहीं है पर वो तुम में होगा। वो तब तुम में कब होगा जब परमेश्वर ने यह कहा कि अब मैं जी उठाऊं और मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं और ऊपर जाकर मैं पहला काम यह करूंगा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। आज वो विश्वासी जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, जिसके पास बरकतें भरी पड़ी है, जो चंगाइयों से भरा पड़ा है, लेकिन अगर उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आज भी वो एक अनाथ की तरह है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, वो आहें मार मार के तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करेगा, वो परमेश्वर की मर्जी को समझेगा। पौलुस ने कहा मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बातें करता हूं, उसने कहा मैं सबसे अधिक मेहनत करता हूं, सबसे अधिक कलीसियाएं किसने बनाई, बोलो कलीसिया,
पौलुस ने सबसे अधिक सन्स और डॉटर्स और कलीसिया किसकी थी, सबसे अधिक प्रचार किसने किया, सबसे अधिक बाइबल में पत्रियां किसने लिखी, सबसे अधिक ज्ञान बाइबल में किसने बांटा, क्योंकि बाइबल बताती वो गैर भाषाओं में बातें करने वाला एक जन था। आज मैं आपको ध्यान से समझाना चाहता हूं, इसलिए आप नोट करते जाओ। पहला कुरंथिया 14 और उसकी 14 आयत में लिखा, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है पर मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं एक बंदे को बोल रहा हूं, मान लो ये लुधियाना रहते हैं, मैं इसको कह रहा हूं, बात समझने में फर्क है, समझना ध्यान से, मैं इसको बोल रहा हूं जब मैं लुधियाना आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, समझ आई कि नहीं, जब मैं लुधियाना आऊंगा तो मैं आपसे क्या करूंगा, मिलूंगा, क्योंकि आप लुधियाना में रहते हैं। एक तो ये बात है, एक ये बात है कि मैं आपसे सोमवार लुधियाना आपसे मिलने के लिए आऊंगा, आप कहां रहते, लुधियाना, तो मैं लुधियाना भी घूम लूंगा। एक है मैंने लुधियाने जाना है तो आपका घर भी लुधियाना है, मैं आपके पास मिलने के लिए आऊंगा। दूसरा ये है मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं, आप कहां रहते, लुधियाना, तो ठीक है मैं लुधियाना आना पड़ेगा मुझे, मैं घूम लूंगा थोड़ा सा, पर मेरा मेन मकसद आपसे मिलने के लिए आना है, लुधियाना आना नहीं, आप लुधियाना रहते हैं इसलिए मैं वहां पे आऊंगा, हाँ या ना। उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, यानी आत्मा से प्रार्थना करना पहले, बुद्धि से प्रार्थना करना दूसरे, कि मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा और साथ में मैं आपका शहर घूम लूंगा। एक है मैं आपके शहर में घूमने के लिए आ रहा हूं तो मैं आपसे मिल भी लूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। बुद्धि वाली प्रार्थना क्या है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर तेरी तारीफ हो, ये बुद्धि की प्रार्थना है। आत्मा से प्रार्थना कौन सी है, जब आप बैठ जाते हैं और वेट करते हैं और गैर भाषा आपके अंदर से निकलती है, आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। बाइबल कहती है आपकी लैंग्वेज करप्ट लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज करप्ट लैंग्वेज है, इंसानी भाषा इनफ नहीं है कि आप सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर से बात कर सकें और अपनी प्रार्थना का हल ले सकें। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब अगर मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो चाहे मेरे पास 1000 गवाही है, मैं एक अनाथ की तरह हूं। एक अनाथ सुबह उठता है उसकी मां नहीं है, खुद खाना बनाता है, उसकी मां वो खुद है, उसका बाप नहीं है, खुद अपनी सुरक्षा करते हैं क्योंकि वो अनाथ है। उसी तरह से वो लोग हैं जो मसीह में आने के बाद भी पवित्र आत्मा जो नहीं पाए हुए वो अनाथ की तरह हैं। उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी उनके ऊपर है, उनकी खाने का जिम्मा भी उनके ऊपर है, वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी में क्योंकि वो अनाथ की तरह जी रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। आज वो पवित्र आत्मा पे उंडेला जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी के ऊपर आएगा, आप अनाथ नहीं रहेंगे। अगर आमीन हो चाहे लंबा या ब्लेसिंग आपकी चर्च। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप गैर भाषा में बातें नहीं करते तो चाहे आप अगर आप अपना 100% भी देंगे, अगर आप अपना 100% भी देंगे, अगर आप घंटों प्रार्थना करके पवित्रताई में रहके अपना टाइथ देके अपने सारे हुक्म को पूरा करके भी चलेंगे तो भी आपके 100 में से 10 नंबर आएंगे, तो भी आपके 100 में से 10 नंबर आएंगे, तो भी आपके 100 में से 10 नंबर आएंगे अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना नहीं करते हो। तो हो सकता है रात को एक मैं आपको गवाही दे चुका हूं, एक बंदा रात को उठा बेचैन हो गया, उसे मालूम नहीं था वो बेचैन क्यों है, एकदम से उठा उसे बेचैनी होनी शुरू हुई और पवित्र आत्मा ने उसे कहा प्रार्थना कर, और वो 1 घंटा 2 घंटे लगातार गैर भाषा में प्रार्थना करता रहा। उसके बाद उसकी बेचैनी खत्म हो गई, उसके बाद वो सो गया। थोड़े दिन के बाद उसका भाई उसे मिला, सगा भाई, उसके सगे भाई ने उसे बताया कि फलाने फलाने रात को मेरे को हार्ट अटैक मेजर हो गया था, मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई थी और मैं मर गया था और मेरे प्राण मेरे से छूट रहे थे, मेरे को मालूम था कि मैं मर रहा हूं और डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। कहता पता नहीं क्या हुआ थोड़ी देर के बाद कि मुझे गर्मी महसूस होने लगी और एकदम से मैं ठीक हो गया और आज तक वो ठीक है। और उसने बताया
उसके भाई ने, कहता मेरे भाई उस रात को जिस रात की तू बात कर रहे, पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया था और मेरे मन में बेचैनी डाल दी। मैं नहीं जानता कि मैं बेचैन क्यों, पर मैं गैर भाषा में प्रार्थना करने लगा। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि तू बीमार है, तेरे को प्रॉब्लम हुई। इसीलिए जो लोग गैर भाषा में बातें करते हैं उन्हें नहीं मालूम क्या प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, आपका प्रेयर पॉइंट क्या होना चाहिए, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपका मित्र है जो आपके और पास आना चाहिए, कौन आपका शत्रु है जो आपका मित्र बन के बैठे हैं, उसे दूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में पूरा होते कभी नहीं देख सकते। इसलिए आज का विश्वासी कंफ्यूज विश्वासी, आप जैसे गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं एक मैसेज आपकी स्पिरिट में जन्म लेते हैं जो होली स्पिरिट की ओर से होता है। आप जैसे गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं एक मैसेज आपकी स्पिरिट में आता है, आपको पता होता है कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, आपको पता होता है कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, क्योंकि आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। उसने कहा मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा ताकि मेरा आमीन दूसरे लोग समझ सके। कहता मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक गैर भाषाओं में बात करता हूं। 14 बाप उसकी दो आयत में लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 4 आयत में लिखा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अगर आप चाहते हो आपकी उन्नति हो और आप गैर भाषा नहीं बोलते तो आप साइकिल से अपनी उन्नति में जाओगे, साइकिल की स्पीड से, पैदल की स्पीड से। अगर आप चाहते हो आपकी उन्नति गाड़ी की स्पीड से, फेरारी की स्पीड से या जहाज के प्लेन की स्पीड से हो तो आपको गैर भाषा में बातें करनी सीखनी पड़ेगी। हालेलुया। आज कितने विश्वासी हो जो गैर भाषा में बातें करते हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। बोलने वाले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा टाइम आएगा, आज वो टाइम है जब हर एक जन गैर भाषा पाके जाएगा और प्रभु की आत्मा से भर के जाएगा। अगर मैं आपको आज आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने के लिए बोलूं, क्या आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट, सबसे बड़ा आपको क्या चाहिए, तो लोग लिखेंगे मैं 19 साल से विदेश की ट्राई कर रहा हूं, कोई लिखेगा मैं इतने साल से बीमार हूं, मेरे बेटे को ये चाहिए। पर आपका पहला प्रेयर रिक्वेस्ट ये होना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा तो बाइबल बताती वो उस जोएल नबी की बुक से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तूने कहा है अपनी बाइबल में कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, अपना आत्मा हम पे उंडेल, क्योंकि तेरी आत्मा के बिना काम करना मुश्किल हो जाएगा, तेरी आत्मा के बिना लोगों को बताना मुश्किल हो जाएगा, तेरी आत्मा के बिना चलना मुश्किल हो जाएगा, अगुवाई लेना मुश्किल हो जाएगा। बाइबल में लिखा पौलुस एक जगह जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा एशिया में वचन सुनाने के लिए नहीं जाना। सोचो अगर ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई ना होती तो वो बाइबल के वचनों से जाता कि परमेश्वर ने कहा है जाओ और पूरे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, तो परमेश्वर मुझे जाने के लिए मना क्यों करेगा? पर बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मना किया एशिया में वचन सुनाने के लिए और पौलुस वहां पे नहीं गया। आज बहुत सारे लोगों की सेवकाई फलदायक नहीं है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस फलदायक नहीं, क्योंकि बिजनेस इसलिए खुला है क्योंकि मेरे पड़ोसी का सेम बिजनेस बड़ा चला है, इसलिए मैंने भी वो खोल लिया और मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं ली कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मेरी सेवकाई में क्या चाहता है, मेरे बिजनेस में क्या चाहता है, मेरी जिंदगी में क्या चाहता है। वो तभी मालूम होगा अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान हैं। हालेलुया, एक बार जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। मेरा ये विश्वास है आज चर्च अंदर और बाहर और सब रोड्स इसीलिए भरी हैं कि पवित्र आत्मा ने अपने आप से आपको भरने के लिए यहां पे भेजे हैं और वो अपना काम करके आपको वापस भेजेगा। अगर आमीन ऊंचा चर्च, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपके दिमाग को तो ये नहीं पता होता कि आप क्या बोल रहे हैं, पर लिखा आपकी आत्मा उन शब्दों को इस्तेमाल करती है परमेश्वर के सामने प्रार्थना को रखने के लिए, और वो असली प्रार्थना है जैसी विश्वासी को करनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप गैर भाषा में बातें नहीं करते हैं और अपना 100% भी अगर आप दें, घंटों भी प्रार्थना करें, तो भी आपके 100 में से 10 नंबर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इमोशनल नहीं जीतेगा पर हथियारों के साथ लदा हुआ वो जीतेगा, लड़ने वाला जीतेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आत्मा के वरदान देता हूं। क्यों चाहिए आत्मा के वरदान मुझे धरती के ऊपर?
अगर मुझे उनकी जरूरत नहीं तो परमेश्वर क्यों मुझे देने के लिए बोलता है उन्हें। आज बहुत से लोगों के पास जब पहला वरदान जो बुद्धि का वरदान है जब नहीं होता तो वो फंसते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब, हर सवाल का जवाब हां में या ना में नहीं दिया जा सकता। हालेलुया। हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता। यीशु मसीह से लोग पूछते हैं, परमेश्वर बता हमें क्या टैक्स देना चाहिए। यीशु मसीह को मालूम था मुझे परख रहे हैं। अगर यीशु मसीह बोलते हां हमें टैक्स देना चाहिए रोमिक सरकार को, तो सारे यहूदी नाराज हो जाते और बोलते यीशु मसीह तो रोमियों का है, हमारा नहीं है, ये हमारा अगुआ नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह कहते नहीं देना चाहिए तो वो रोमी सरकार को शिकायत करते कि यीशु मसीह अपने लोगों को टैक्स ना देने के लिए भड़का रहे। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है, कहते सिक्का, लाओ। परमेश्वर ने कहा ये किसकी मूर्त है सिक्के के ऊपर, कहते कैसर की। परमेश्वर ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ना हां बोला ना ना बोला, ये कौन सा वरदान था, बुद्धि का वरदान। पौलुस को मालूम था कि जो लोग उसको पकड़ के लेके गए, जब लोग उसको मारना चाहते थे, पौलुस को मालूम था कि दो ग्रुप उसको पकड़ के लेके गए, एक सदूकियों का एक फरीसियों का। सदूकियों का ग्रुप ये नहीं मानता था कि स्वर्गदूत हैं, जी उठना है, पर फरीसी जी उठना स्वर्गदूत ये सब बातों पर विश्वास करते थे। तो पौलुस ने बुद्धि का वरदान काम मिलाया और उसने कहा हे भाइयों मेरा न्याय हो रहा है जी उठने के विषय में। और दोनों ग्रुप आपस में लड़ना शुरू हो गए क्योंकि एक ग्रुप विश्वास करता था जी उठना है और दूसरा करता नहीं। अगर आप में बुद्धि का वरदान नहीं है तो फंसते हो आप। जब लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हो, तो आपके पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है, उसका वरदान नहीं है, तो आप गलत जवाब देते हो। हां में दोगे तो भी फंसोगे, ना में दोगे तो भी फंसोगे। हालेलुया। एक बार एक सेवक को लाइव इंटरव्यू में चैनल ने बुलाया। लाइव इंटरव्यू चल रही, और अगर आपको नॉलेज ना हो तो दूसरे जो देश हैं वहां पे दो ही तरह के लोग रहते हैं ज्यादातर, या तो क्रिश्चियन या मुस्लिम। हिंदू वही हैं जो इंडिया से गए, और देशों में नहीं है, नेपाल को छोड़ के, भूटान को, ये दो तीन देश छोड़ के। तो एक टीवी वाले ने एक सवाल पूछ लिया उस परमेश्वर के दास से लाइव चलते हुए। उसने कहा क्या मुस्लिम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि वो चैनल ये चाहता था कि ये अभी हां में जवाब दे, अगर जाएंगे तो क्रिश्चियन इसके खिलाफ हो जाएंगे, अगर वो कहता नहीं जाएंगे तो बाहर मुस्लिम इंतजार कर रहे हैं उसको मारने के लिए। उसने कहा परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं क्या करूं। उसने बाइबल खोली और उसने बाइबल में से बताया, कहता बाइबल ये कहती है मार्ग जीवन और सच्चाई मैं हूं। अब पकड़ लो बाइबल को, अब पकड़ लो परमेश्वर को, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। ये मेरा पवित्र वचन, ये मेरा बाइबल, ये मेरा धर्म ग्रंथ कहता है। जब बुद्धि का वरदान काम करते हैं, लेकिन वो काम कैसे करेगा बुद्धि का वरदान, क्योंकि रात को तो ब्लू फिल्म देखी है, अभी सुबह तो गर्लफ्रेंड से बात करके आए, अभी सुबह तो गंदे काम करके आए, अभी चर्च के बाहर ही सिगरेट फेंक के बस अंदर आए, तो पवित्र आत्मा के वरदान कैसे काम करेंगे, वो कैसे आपके साथ चलेगा, कैसे आपको छुड़ाएगा। जहां जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। तो अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो आप आजाद है, नहीं तो नहीं। दुनिया का कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर फिर आपको फ्री नहीं कर सकता अगर होली स्पिरिट आपके साथ नहीं है तो। इसलिए पागल लोग साइकेट्रिस्ट के साथ पास जाते जाते थक जाते हैं और साइकेट्रिस्ट उनकी काउंसलिंग करता करता थक जाता है। बेटा जो तू देख रहे हैं वो दुष्ट आत्मा नहीं, वो केमिकल का लोच है, वो ये लोच है वो लोच है, पर वो जो जानता है कि उसको कोई इलाज नहीं कर सकता। लेकिन चर्च में आने के बाद जब वो दुष्ट आत्मा जाते हैं, क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आज के बाद आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो पवित्र आत्मा है। आमीन। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी अपनी उन्नति करते हैं, वो अपनी उन्नति करते हैं। हालेलुया। अगर मैं आपको किसी जगह पे भेजूं, सड़क बनाने के लिए भेजूं, बिल्डिंग बनाने के लिए भेजूं, तो मैं आपको हथियार भी दूंगा, आपको जेसीबी भी दूंगा, ईंटें भी दूंगा, आपको सारा प्रोडक्ट आपको मुहैया करवाऊंगा। और उसी तरह से अगर परमेश्वर ने आपको धरती पे भेजा लड़ने के लिए शैतान से, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए, तो वो आपको आत्मिक हथियार भी देता है उन बुलाहटों को पूरा करने के लिए। पर अगर आप अलर्ट क्रिश्चियन नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ खाने और पीने में और इस बात की तरफ है कि कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, तो आप उन चीजों को मिस कर जाते हैं।
मेरी ये प्रेयर है आज परमेश्वर के नाम में कि होली स्पिरिट आप पे उतर सके, आप उससे भर के वापस जा सके। आज ये चर्च में एक भी जन गैर भाषा के बिना वापस ना जाए। आमीन। ऊंचा तो बरकत ऊंची चर्च, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। जोर से बोलो आमीन। अब वो गैर भाषा में बातें करनी, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोलो पड़ोसी को, बोलो तुम्हें गैर भाषा में बातें करनी। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, इफेक्ट कम करो, बोलो बोलो पड़ोसी को। आमीन। गैर भाषा भी दो तरह की, एक कॉपी वाली गैर भाषा है, हाँ, जो एक वॉलंटियर बोल रहा है और दूसरा भी साथ बोल रहा है शेखर रे बेरे, दूसरा वॉलंटियर बोल रहा है शेखर रे बेरे, उसे लगता है यही गैर भाषा है। गैर भाषा आपकी एक प्रेयर है जो परमेश्वर आपको अपनी लैंग्वेज में देता है। तो सबकी गैर भाषा सेम कैसे हो सकती है अगर आपकी प्रॉब्लम अलग अलग है तो? और इसीलिए सबकी गैर भाषा अगर 200 करोड़ लोगों के पास है दुनिया में तो सबकी गैर भाषा अलग है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग है, सब इंडिविजुअली, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबका टारगेट अलग है, सबकी बुलाहट अलग है। तो आपको आत्मा की सुननी, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप गैर भाषा में बातें करें तो आप पड़ोसी की मत सुने जो आपका पड़ोसी बोल रहे हैं, आपको वो सुनने जो परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में जिस बात का जन्म दे रहा है, जो गर्भ आपकी आत्मा में जो उससे पैदा हो रहा है, वो गैर भाषा आपको बोलनी। आप नहीं जानते आपका शत्रु कौन है, आपका परम मित्र जो आपके साथ खड़ा है, हो सकता है वो आपकी जड़ें काटने वाला हो, लेकिन आप कभी उसके बारे में जान नहीं सकते अगर आप गैर भाषा बोलने वाले क्रिश्चियन नहीं है। तो लोग आपको धोखा देने के लिए तैयार, ये दुनिया ऐसी, जब तक ये प्रूफ ना देख ले तब तक परमेश्वर में भी यकीन नहीं करती। ये ऐसी जनरेशन है, अगर परमेश्वर की सगी नहीं है तो तुम्हारी कैसे सगी हो सकती। किसने तुम्हें बुद्धू बना दिया, किसने तुम्हें बिविचित, किसने तुम पे जादू कर दिया कि तुम सोच के बैठे हो कि दुनिया तुम्हारी हो सकती जो परमेश्वर की नहीं हुई। ये बात मुझे सालों पहले सिखाई गई थी, तब तो मुझे समझ नहीं आई थी, क्योंकि आपके अगुओं की बातें आपको पहले समझ नहीं आती, लेकिन बाद में अच्छी तरह समझ आती कि सबकी कंडीशन देख के यकीन मत करना। चर्च में जब हम एंटर करते थे तो एक बंदा था जो चर्च में सफाई करता था, एंटर करते वेले उसने ऐसा करना, जय मसीह जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, लम्बे पैदाना उन्हें मिट्टी दे होते, मेरी वाइफ बीमार रहती है जी। मीटिंग में आने से पहले, कुछ दिन पहले जो पहली मीटिंग थी, पवित्र आत्मा ने मुझे रात को सिर्फ गैर भाषा बोलने के लिए बोला और मैं लगातार घंटों गैर भाषा बोलता रहा। और सुबह मुझे एक मैसेज आया कि आपकी चर्च में मैंने एक चोर पकड़े हैं, और वो वही चोर था जो मेरे पांव हर रोज पकड़ता था, चाहे वो चोरी 1000 रुपए की क्यों नहीं थी। पर अगर होली स्पिरिट आपके साथ है, लोग एक्सपोज होंगे जो आपके साथ है अगर आपके नहीं। आप गम में, आप झूठ में, चीट चीट में, धोखे में नहीं रह सकते अगर आप परमेश्वर के चलाए गए जन हो तो। सब चीजें परमेश्वर जाहिर नहीं करेगा आपके ऊपर, पर आप धोखे में रहने वाले इंसान नहीं होंगे। चाहे लोगों को यह मालूम ना हो कि आपको उनकी कुछ और बातें भी मालूम है, चाहे आपने कोई एक्शन ना लिया हो, पर आपको मालूम होगा कोई कैसे है और कौन कैसे है। और मैं गैर भाषा में बातें कर रहा हूं, और मैंने वाइफ को बताया, देख ये वही बंदा था जो बोलता था मेरी वाइफ बीमार है जी। हम लोग भी सोचते कि भर क्यों बीमार है, ये इतनी सेवा करते हैं क्यों बीमार है, और चोरी दिल में बैठी। जब संडे मीटिंग खत्म होनी, गिलास ले जाने मीटिंग से, कोई तार काट के ले जानी आधा किलो, कुछ भी ले जाना, बस ले जाना। कुर्सी एक तोड़ देनी, बोलना ये वाली कुर्सी टूट गई है, इसको हम कचरे में बेच रहे हैं, और आपको मालूम नहीं आपके पास क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है। आप अपने बेटे से दुखी हो, आपको ये मालूम नहीं उस दुखी होने का कारण उसका बेस्ट फ्रेंड है जो आपके आपको मम्मी मम्मी बोल के आपके पैर छूते हैं, और आपको मालूम नहीं वो क्या है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके हेल्पर उनसे दूर हैं, उनका हेल्पर उनके सामने खड़ा है पर वो उसको लाइक नहीं करते, कम तवज्जो देते हैं, ये भी शैतान की ओर से। क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर ने आपकी लाइफ में दिए डिवाइन हेल्पर बना के, लेकिन अगर आप आत्मिक नहीं है वो लोग भी आपकी जिंदगी में नहीं रह सकते। इसलिए एक पास्टर का जरूरी है जब वो पुलपिट पे आए तो आत्मा में आए, गैर भाषा में आए। इसलिए मुझे कोई मैसेज नहीं कर सकता मॉर्निंग, मैं रात को एक मीटिंग पहले किसी का मैसेज नहीं पढ़ता हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, मॉर्निंग किसी से बात नहीं करता हूँ। मेरे परिवार को बता कि बातें वही करनी जो मीटिंग के साथ रिलेटेड है, कोई रिश्तेदार हमें मिलने नहीं आता, कोई हमसे बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मा में आना जरूरी है ताकि शैतान जहां जहां काम कर रहा है उसको पकड़ा जा सके और निकाला जा सके।
दस दस परौंठियां खा के और 15 लोगों से फोन पे बातें करके और आप फिर पुलपट पे आगे काम नहीं कर सकते, आप फिर शैतान को निकाल नहीं सकते। होली स्पिरिट मुझे बता रहा था परसों, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो यहाँ पे कैप्चर हुई और जगह कैप्चर नहीं हुई, कारण ये है दुष्ट आत्माएं जमीन पे काम नहीं करती, वो हवा में काम करती हैं। और जैसे ही फायर बढ़ती है तो वो कैप्चर होती, वो सरेंडर करती और बोलते हैं हम बाबा थे जी, हम बाबी थे जी, हम तांत्रिक थे जी, हम फलाना काम करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद वो दुष्ट आत्मा अरेस्ट हुआ। आप पुलपट पे आ रहे गैर भाषा बोल के आओ, प्रभु आपको विजन देगा, आपको मालूम होगा कौन चंगा हो रहा है, कहां परमेश्वर काम कर रहा है, कौन सा दुष्ट आत्मा जा रहा है, कौन सी हीलिंग हो रही है। जोर से बोलो हालेलुया। आप गैर भाषा में बातें कर रहे हैं और परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहे हैं। आप गैर भाषा में बातें कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो रही, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो रही, धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो चुकी कौन सा सही रास्ता है आपके लिए, कौन सा रास्ता गलत है, कहां आपने स्टेप लेना है, कहां आपने नहीं लेना। हालेलुया। जोर से एक बार बोलो हालेलुया। आप गैर भाषा में प्रार्थना नहीं करते हो और एक्सपेक्ट करते हो प्रभु आपसे बात करे, आप छुड़ाए जाएं या आपकी कंफ्यूजन दूर हो, कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना ना करें तो अगर आप 100% भी अपना देंगे तो भी 10 नंबर आएंगे 100 में से, क्योंकि अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करते हैं तो कम से कम 2 घंटे 40 मिनट 2.5 घंटे 2.25 घंटे ये प्रेयर आपकी गैर भाषा में होनी चाहिए। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 40 मिनट हद आपकी अपनी भाषा में प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने दूतों को भेजा पत्रस को छुड़ाने के लिए। ये वही कलीसिया थी अगर आपको याद ना हो जिन्होंने गैर भाषा के वरदान पाए थे, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाके बैठे थे और मौत को टाल दिया गया गैर भाषा के कारण। हालेलुया। गैर भाषा जब आप दिमाग से सोचना शुरू करते हैं ये खत्म हो जाती है, आप शक करते हैं इसकी पावर कम हो जाती है, आप कॉपी करते हैं एक दूसरे से ये आपकी लाइफ में कोई काम नहीं करती। ये गैर भाषा कॉपी होने वाली गैर भाषा नहीं, ये गैर भाषा आपके अंदर से निकलती है। वो 10 शब्द क्यों ना हो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। हालेलुया। जो लोग 10 मिनट की गैर भाषा बोलते हैं वो उस बंदे के समान है जो सुबह उठता है, तैयार होता है, कपड़े डालता है, परफ्यूम डालता है, शूज डालता है और अपने घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, कहीं नहीं जाता। जो सुबह बेस्ट पैंट डालता है, बेस्ट शर्ट डालता है, बेस्ट परफ्यूम लगाता है, तैयार होता है, शूज डालता है और अपने घर के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है और जाता कहीं नहीं। जो 10 मिनट वाले राबा राबा शिखे रे वाले वो ये वाले लोग हैं। आप जब गैर भाषा में शुरू करते हैं, आप बैठते हैं, आप प्रेयर शुरू करते हैं अपने शब्दों में, धीरे धीरे आत्मा आप पे उतरने लगता है, आपके शब्द कड़े होने लगते हैं, आप स्पिरिट में फाइट करना शुरू होते हैं, आपको पता लगता है कुछ बदल रहा है आपके एटमॉस्फेयर में और कुछ चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। तो वो बंदा उस बंदे के समान है जो बेस्ट पेंट और शर्ट और शूज डाल के अपने घर से निकलता है और उस जगह पहुंचता भी है जहां उसे पहुंचना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे आमीन। अभी तो पेंट भी नहीं डली पूरी, हाँ अभी तो आधी शर्ट बटन भी खुले हैं, फिर आधा तो 10 मिनट जब पापा ने बोल दिया तो लिखे बोल। और वो शर्ट डाली, पेंट डाली, अपने कमरे के बाहर खड़े हैं और पता नहीं कहां जाना है। गैर भाषा एक हथियार है, एक ऐसी प्रार्थना है जिसे शैतान समझ नहीं सकता और रोक भी नहीं सकता। आपको जब रुकावट आपकी लाइफ में एंटर करे वो टाइम रोने चिल्लाने का नहीं या किसी बंदे पे गुस्सा करने का नहीं, गैर भाषा में शैतान को डांटने का और बंधनों को तोड़ने का है। आप देखो फिर कैसे रिलीज होते हो, आपके बच्चे देखो कैसे रिलीज होते हो, होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं, आपका बिजनेस कैसे रिलीज होता है, आपका फाइनेंस कैसे रिलीज होता है, आपकी कुर्सी कैसे रिलीज होती है जो परमिशन आपको देनी है, देखो फिर कैसे रिलीज होता है सब कुछ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी, जब मैं प्रोफेटिक आपको देता हूं, प्रोफेसी करता हूं तो उससे मेरी उन्नति नहीं होती, उससे कलीसिया की उन्नति होती, कलीसिया का विश्वास बढ़ता है, कलीसिया में काम होते हैं। पर जब मैं गैर भाषा में बातें करता हूं मेरी पर्सनल उन्नति होती, आमीन, तब मेरी पर्सनल उन्नति होती। तो बताओ फिर क्यों बाइबल में परमेश्वर ने लिखा कि उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें अन्य भाषा दी जाएंगी? अगर जरूरी नहीं है अन्य भाषा बोलनी या सिर्फ पास्टर्स को जरूरी है तो ये क्यों नहीं लिखा कि पास्टर्स को अन्य भाषाएं दी जाएंगी?
कुछ लोग बोलते नहीं, अन्य भाषा शैतान की ओर से। वो वही लोग हैं जिनके अपने पास अन्य भाषा नहीं है, या जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर नहीं जरूरी थे वचन में क्यों लिखा, फिर काट दो उस वचन को, फिर ना पढ़ो उस वचन को। उसने लिखा तुम्हें बुद्धि का, ज्ञान का, अन्य भाषा का। अन्य भाषा का अर्थ बताना तुम्हें उसमें रहेगा। हालेलुया। कुछ चीजें मैं आपको दोबारा बताना चाहता था कि आप सीख सकें कि ये असली है, ये रियल है। आप जो गैर भाषा में बातें करते हैं, ये रियल प्रार्थना है जो होली स्पिरिट आपके शब्दों को यूज करते हैं। हो सकता है आपके कलीसिया मेंबर के लिए पवित्र आत्मा ने आपको प्रार्थना में बैठाना हो और आपको मालूम ना हो कलीसिया में कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। गैर भाषा वो काम करेंगे। आप प्रेयर करेंगे कलीसिया में जिस व्यक्ति को जरूरत है, परमेश्वर उसी की प्रार्थना करवाएगा आपके होठों से। एक दिन मैं कमरे में बैठा हुआ एक प्रॉफिट के साथ, और उसने पूछा कि मैं तेरे को एक सॉन्ग सुनाता हूं, मैं तेरा टेस्ट लेता हूं, बता वो अन्य भाषा में वो पास्टर क्या कह रहे हैं। और सॉन्ग शुरू हुआ अन्य भाषा में, और मैंने आंखें बंद कर मैंने सॉन्ग सुना। मैंने कहा ये बंदा अन्य भाषा में ये कह रहे हैं कि अंत का दिन, अंत का टाइम नजदीक है, अंत वाले दिन नजदीक है, हमें तैयारी करनी चाहिए। वो हैरान हो गए क्योंकि वो सॉन्ग मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सुनो, कभी नहीं सुना था, कभी देखा नहीं था। जैसे ही उन्होंने सॉन्ग के अपने अपने मोबाइल का फेस मेरी ओर किया तो उस सॉन्ग की हेडिंग थी सॉन्ग ऑफ द लास्ट डेज। और लोगों को लगता है वो शब्द थे, वो शब्द नहीं है। शब्दों को नहीं आप अर्थ बता सकते हैं। जब वो बंदा गैर भाषा बोलते हैं, होली स्पिरिट मैसेज पैदा करता है आपकी स्पिरिट के अंदर, और वो है गैर भाषा का अर्थ बताना। जब गैर भाषा में पुलपिट में हम बात करते हैं तो प्रोफेटिक वर्ड रिलीज होते हैं। कौन व्यक्ति कहां से हील हो रहे हैं, किसको परमेश्वर का आत्मा छू रहे हैं, वो गैर भाषा, वो पवित्र आत्मा आप पे जाहिर करते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो आपने मांगना कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे दे। अगर वो बपतिस्मा आपके पास नहीं तो आप वचन पूरा नहीं हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आमीन। तो बाइबल कहते हैं डाकरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब ये है, जो बंदे नशे के परिपूर्णता के नीचे, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के नीचे नहीं हो सकते। जो टीवी की परिपूर्णता के नीचे, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के नीचे नहीं हो सकते। जो पैसे के नीचे, वो भी पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। परमेश्वर ने कहा अपने आप को इनसे दूर रखो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। थक गए कई लोग अपने भाई को समझाते समझाते कि भाई ये चिट्टा नशा नहीं करना, ये फलाना नशा नहीं करना, और वो खुद चर्च आती लेकिन उसका भाई नशे में, क्योंकि कभी गैर भाषा में प्रार्थना नहीं की, क्योंकि खुद अपनी लाइफ में इतनी कमियां हैं, इतने पाप हैं कि जब प्रार्थना करने के लिए हम बैठते हैं तो प्रार्थना बेअसर सी महसूस होती, और शैतान भी जानते हैं। इसलिए आपकी पर्सनल लाइफ में वो आपको बिठा के रखता है। उसे मालूम है अगर ये खुद पाप में रहेगा तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाएगा, अगर खुद नहीं पाएगा तो अपने और अपने लोगों के उद्धार का कारण कभी नहीं ठहरेगा। अब आपको समझ आएगी क्यों आपका पवित्रताई में रहना जरूरी, क्यों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए जरूरी। हालेलुया। जो चार घंटे घर की त्योड़ी पे बैठ के जो फलाने की चुगली करनी या ढमकाने की चुगली करनी, क्यों ना गैर भाषा बोली जाए उन चार घंटों में। अगर आज तक बोली गई होती तो घर की सिचुएशन कुछ और होती, सेवकाई की सिचुएशन कुछ और होती। हाँ या ना? शैतान एक टाइम वेस्टर है। आपका गुम हुआ पैसा वापिस आ सकता है, बट टाइम वापिस नहीं आ सकता। टाइम वापिस नहीं आएगा, टाइम चला गया। प्रभु आपको फिर से खड़ा करेगा, वो आपको फिर से खड़ा करेगा। मैंने कहा ये प्रोफेसी है चर्च, आपको फिर से खड़ा करेगा और आपको भरेगा अपनी आत्मा से। आप सुन पाएंगे परमेश्वर की बातों को, आपकी स्पिरिचुअल एंटीना मजबूत होगा, शार्प होगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के दास जो अब इस दुनिया में नहीं, पूरी उम्र की बुढ़ापे में होके परमेश्वर के पास चले गए, उनमें से एक दास का नाम है स्मिथ विगल्सवर्थ। ऐसे ऐसे लोग जो आम फैमिली से आए, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कोई है। एक बार परमेश्वर के एक दास की, वो अपने घर से बाहर गया, उसकी एक आदत थी उस परमेश्वर के दास की, अपने पाओ को जब वो जमीन पे रखता था उसकी गैर भाषा तब से शुरू होती थी, और जब वो सोने लगता था तब गैर भाषा उसकी बंद होती थी। क्योंकि आपके जीभ के नीचे जो आप गैर भाषा बोल रहे हो, किसी को मालूम नहीं आप किससे बातें कर रहे हो। आमीन। वो अपनी वाइफ को छोड़ के गया घर, जब वापिस आया तो उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। रोया चिल्लाया नहीं, वो बोलता परमेश्वर मैं अपनी वाइफ को जिंदा छोड़ के गया था, मुझे जिंदा वापिस चाहिए। उसकी वाइफ खड़ी हो गई,
ये रिकॉर्डेड है, सुनो क्या हुआ। उसकी वाइफ उठ के नाराज हो गई, कहती मैं प्रभु के साथ थी, तुमने वापस क्यों बुलाया मुझे। सुनो ये स्टोरीज नहीं है, ये रियल है, रियल। ये 100 साल पुरानी नहीं है, ये अब की है। जो हमारे से पहले जनरेशन थी परमेश्वर के बड़े बड़े दासों की, उनकी उनकी मैं बात कर रहा हूं। उसने कहा परमेश्वर ये वापिस जाना चाहती, इसको फिर ले जा, वो फिर डेथ होगी उसकी। ये बोलते मैं परमेश्वर के साथ वापिस क्यों बुलाया। अब बूढ़े थे दोनों, बहुत बूढ़े थे। कहनी थेकिन जो परमेश्वर का एक जबरदस्त दास है, जिसने पवित्र आत्मा की मूवमेंट शुरू की थी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, अपने टेबल पे बैठा हुआ था और बता रहा था उनको कि मेरा जाने का टाइम आ चुका है, मैं अभी जा रहा हूं। कोई बीमारी नहीं, कोई हार्ट की, किडनी की, बीपी की, शुगर की, नथिंग। नाश्ता किया करता, फिनिश। और उसकी वाइफ बोली, कहती प्रभु के पास चले गए। एक सेकंड में उनको पता था। ऐसे लोग जो शुरुआत दिन की गैर भाषा से करते थे, एंड गैर भाषा से करते थे, और उनकी लाइफ में रिजल्ट अगर देखो तो आज के कुछ लोगों को शर्म आएगी जो उनकी लाइफ में रिजल्ट, उनकी सेवकाइयों में रिजल्ट थे। गालियां निकालने वाला इंसान, गंदा मजाक करने वाला इंसान, फेसबुक पे गंदी वीडियोस देखने वाला इंसान कभी पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता, नेवर। उसकी गैर भाषा फेक है, नकली है, वो एक नकली क्रिश्चियन है। आप बैठ के मजाक कर रहे हो, गंदा वीडियोस चल रही है, और आप सोचते हो कि प्रभु आपको भरेगा, कैसे भरेगा। और अगर आप नहीं भरोगे, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। शैतान जानता है आप एक पावरलेस, इफेक्टलेस, फायरलेस क्रिश्चियन है, जिसका कोई असर उस पे नहीं होगा। वो खुश है आपसे, परमेश्वर आपकी लाइफ बोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन वो अलग तरह से आपको एक्साइटमेंट में भरना चाहता है। कि पहले आप 10 तरह के काम करते थे, एक भी फलवंत नहीं होता था, अब आप 11 तरह के काम कर रहे हैं, और आप मुश्किल हो रही है आपको कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि हर काम 200% फल लेके आ रहे हैं। अब आपको टाइम देना मुश्किल हो रहा है कि मैं करूं क्या, कहां टाइम दूं, क्या क्या करूं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं, आप गैर भाषा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु के चलाए चल रहे हैं। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और जितने उसकी आज्ञा मानते हैं, लिखा उसको वो अपनी पवित्र आत्मा देते हैं। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, तो आप उसके जन नहीं, बाइबल में लिखा है। अगर आज किसी चीज के लिए रोना चाहते हो, तो होली स्पिरिट के लिए रो। चीखे मारना चाहते हो, होली स्पिरिट के लिए मारो कि वो आपको मिले, आप अनाथ ना रहे। बिना पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी, एक अनाथ क्रिश्चियन है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से, जोर से, जोर से, और भरो आत्मा के साथ। मैंने कहा अपने हाथों को उठा के जोर से बोलो हालेलुया। अपने घुटनों पे आओ और गैर भाषा में बातें करो अगले 10 मिनट। जिनके पास गैर भाषा नहीं है, वो भी अपने घुटनों पे आओ और बोलो गैर भाषा में। जिनके पास नहीं है, प्रभु उनको देगा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलेगा आज। ऊंची आवाज में निखोना नब्रोसोतो लिमो समखंदिया न बलरा बसंबे नंदे न बसक्का मखंदे लिखो समखंदिया नंबरो मोसोको लोक लेप्रोसोको मखंदे न बलरा बशके के ओलो कोलो बोबे लेप्रोमोसोको मखंदे ने बलरे बेशी ममंदे